हेलो फ्रेंड, मैं हूँ गोपाल। आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, फिर से आज लाइव ट्रेडिंग करने वाला है जीबीपी यूएसडी के ऊपर फॉरेक्स मार्केट में। ये हमारा लाइव अकाउंट है MT4 का, आप देख सकते हो ओक्टा एपेक्स का। ये मेरा लाइव अकाउंट है, इसी अकाउंट में हम लोग आज लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो ये हमारा लाइव अकाउंट है। तो हम लोग किस बेस के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में, और कितना प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। और ये हम लोग बेसिकली जो ट्रेड लेने वाला हूँ ये TPS बोरिंग टूल के ऊपर लेने वाला हूँ। किसके ऊपर लेने वाला हूँ? TPS बोरिंग टूल के ऊपर। ये एक बेस्ट ट्रेडिंग टूल है, बेस्ट इंटरडे ट्रेडिंग टूल है, बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग टूल है। चाहे इसको क्रिप्टो, फॉरेक्स या इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी, निफ्टी या स्टॉक के ऊपर कोई पर भी आप इसको टूल को यूज कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। हम लोग देख सकते हैं ये जो कैंडल चल रहा है इसका हाई ब्रेक होने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे। हमारा जो पूरे के पूरे सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है, आप देख सकते हो फिल्टर डाउन साइड में है और पूरे के पूरे सिग्नल हमारा ग्रीन है, बाय सिग्नल दे चुका है। फिलहाल मैं एक बार बैलेंस चेक कर लेता हूँ, सबसे बेटर होगा। हमारा जो बैलेंस है, बैलेंस देख सकते हो $53,000 $700 के आसपास है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग ट्रेड लेंगे। और ये टूल के ऊपर जितना भी मैं लाइव ट्रेडिंग किया हूँ पूरे के पूरे लाइव ट्रेड सक्सेसफुल ही रहते हैं। और आज भी ये लाइव ट्रेड आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, ये लाइव ट्रेड भी आपके सामने सक्सेसफुल रहने वाला है। क्योंकि ये बोरिंग टूल एक ऐसा टूल है जो बहुत ही परफेक्ट ट्रेड आपको प्रोवाइड करता है विथ नो लॉसेस के साथ। आपको लॉस देता ही नहीं ये टूल, एकदम 0% रिस्क है। ये टूल के ऊपर आप काम करेंगे तो आपका रिस्क जो रहता है एकदम 0 to 0% रहता है। ये टूल के ऊपर मैक्सिमम रिस्क 0% होता है। तो ये एक बेहतरीन टूल है। इसी बेहतरीन टूल के ऊपर बहुत सारा मैं लाइव वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आज भी फिर से और एक लाइव वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो ऑलरेडी हम लोग देखिए ट्रेड ले चुका हूँ, हमारा टारगेट भी लगा रहा हूँ। तो टारगेट को एक बार सेट कर लेता हूँ, तो हमारा स्टॉप लॉस भी ये लगा दिया हूँ। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, अपसाइड में हमारा टारगेट हो चुका है। नीचे आप देख सकते हो अभी नेगेटिव पॉजिटिव हमारा चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे क्या हम लोग किस बेस के ऊपर हम लोग ट्रेड ले रहा हूँ, इसको पर्टिकुलरली हम लोगों को समझना जरूरी है। ये तो हमारा जो देखिए अभी पॉजिटिव में चल रहा है, फिलहाल पॉजिटिव ही दिख रहा है ट्रेड लेने के बाद। अपसाइड में ये तो डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि ये जिस जगह पे ट्रेड प्रोवाइड करते हैं आप ट्रेड को सही तरीके से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा पाते हो तो आपको 101% आपका ट्रेड सक्सेसफुली प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। तो ये बोरिंग टूल का ये कमाल है, बोरिंग टूल इसी तरीके से काम करते हैं। तो हम लोग पूरी डिटेल्स के साथ समझेंगे। देखिए किस बेस के ऊपर ट्रेड लिया हूँ, तो ये चीज़ हम लोगों को जानना जरूरी है कि हम लोग ट्रेड क्यों ले रहा हूँ। देखिए मार्केट कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है, आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है बराबर। और हमारा जो फिल्टर है साथ साथ में क्या हम लोगों को बाय सिग्नल भी मिल चुका है। और अपसाइड में देख सकते हैं इसके अंदर जितना भी लाइन आपको दिखाई दे रहा है पूरे के पूरे लाइन आपको बाय साइड के लिए बोल रहे हैं, मतलब ग्रीन है। और फिल्टर भी जो फिल्टर है हमारा, फिल्टर भी हमारा क्या है आप देख सकते हो प्राइस के बिलो है, मतलब 100% पॉजिटिव सेंटिमेंट है और 100% बाय के लिए एक्यूरेट पोजीशन है हमारा ये ट्रेड लेने के लिए। अपसाइड में देखेंगे तो कोई फिल्टर नहीं है, प्राइस के अपसाइड में कोई भी फिल्टर हमारा नहीं है। क्या नहीं है? फिल्टर नहीं है। तो अपसाइड में जब फिल्टर नहीं रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा बाई करके चलते हैं। क्या करते हैं? हम लोग बाई करते हैं, सेल नहीं करते। गलत फहमी में मत रहिएगा, जो अपसाइड में फिल्टर नहीं रहेगा तो हम लोग सेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पूरा सेंटिमेंट बाई के साइड में है, बाई सिग्नल है, फिल्टर डाउन साइड में है, अपसाइड में कोई फिल्टर नहीं है। और हमारा पूरे के पूरे इंडिकेटर हमारा पॉजिटिव सेंटिमेंट में है तो हम लोग डेफिनेटली बाई साइड में जाएंगे और बोरिंग टूल के जरिए हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे, फुल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा $3,000 $4,000 का रहेगा, उससे ज़्यादा हम लोग का टारगेट रहने वाला नहीं है आज का
इस ट्रेड में। तो जैसे 3,000-4,000 होता है उसी के आसपास होता है, तो हम लोग ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ऑलरेडी टारगेट तो मैंने सेट करके रखा हूँ, बट 3,000-4,000 में हम लोग देखिए मेरे टारगेट के आसपास आ चुका है मार्केट। अभी तकरीबन हमारा जो प्रॉफिट देखिए आप आराम से देख सकते हो, प्रॉफिट हमारा पॉजिटिव में है और 2000 प्लस हमारा अभी प्रॉफिट दिख रहा है। ट्रेड कंटिन्यू है, हम लोग इस ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे। ये एक्चुअली जो डीपीएस बोरिंग टूल है ना, इसका कमाल ही यही है, इसके ऊपर आप इतना भरोसा कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। ये 100% आप भरोसा कर सकते हो ये टूल के ऊपर। आपको एक परफेक्ट ट्रेड देने के बाद ये पीछे नहीं हटता है, आपका ट्रेड को सक्सेसफुल करके ही पीछे हटता है, उसके पहले पीछे नहीं हटता है। आपको पूरी प्रॉफिट देने के बाद ही ये आपको बोलता है भाई अभी मार्केट से निकलो, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद। तो ये सिनेरियो होता है। बेसिकली मैं जो टारगेट रखता हूँ जीबीपी में, मैं जो फॉरेक्स मार्केट में जो टारगेट रखता हूँ 100 पॉइंट 200 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ, उससे ज़्यादा टारगेट मैं नहीं रखता हूँ। बेसिकली मेरा जो टारगेट है वही रहता है। और कोई कोई टाइम क्या होता है, जब देखता हूँ मार्केट बहुत ही अप ट्रेंड में है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते, टारगेट को ट्रेल करते करते मैं अपसाइड का प्रॉफिट भी लेता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी काम करना है। आप देख सकते हो पूरे के पूरे सेंटीमेंट हमारा पॉजिटिव ही है और अभी भी मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट अपसाइड ही जाने वाला है मार्केट बोल रहा है। तो आप देखिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छे तरीके से हमारा अपसाइड जा रहा है मार्केट। दोबारा हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में कि हम लोग क्यों ट्रेड लिया था, वीडियो का लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि और एक बार डिस्कस करना जरूरी है, आप लोग समझ में आएगा तो आपके लिए बेटर होगा। अब देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बहुत सारा क्रीन शॉट में डाल चुका हूँ। जो टीपीएस टूल जो लोग यूज़ कर रहा है वो लोग कंटिन्यू मेरे को क्रीन शॉट भेज रहा है, सर ये मेरा क्रीन शॉट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। कोई बोल रहा है मेरा आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया हूँ, पर डे मैं अच्छा कमा रहा हूँ टीपीएस टूल के ऊपर, टीपीएस बोरिंग टूल के ऊपर। तो मैक्सिमम जो ये टीपीएस बोरिंग टूल है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप इंटरडे कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, बीटीएसटी भी ये टूल के जरिए आप कर सकते हो। बीटीएसटी में भी आपको हेल्प करता है और ऑल टाइम मार्केट में काम करता है। जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है अपसाइड में भी फिल्टर रहता है, डाउन प्राइस का अपसाइड में भी फिल्टर दिखाई देगा रेड कलर का, डाउन साइड में ग्रीन कलर का फिल्टर दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है, चाहे कितने बार भी बाई सिग्नल आए, चाहे कितने बार भी सेल सिग्नल आए, आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब अपसाइड में फिल्टर रहेगा, डाउन साइड में फिल्टर रहेगा, तब आपको मार्केट से दूर रहना है। तो आपको ये मौका देता है, हमेशा मौका देता है, उसी मौका में आपको एंट्री लेना है और मौका में आपको चौका मारना है, चौका छक्का कुछ भी मार सकते हो आप उसी मौके में। तो फ्रेंड मेरा टारगेट के आसपास ही मार्केट चल रहा है फिलहाल, तो ये भी शायद ओवरबॉट भी हो चुका है। हमारा आरएसआई भी मैं देखूंगा तो आरएसआई LT4 में ओवरबॉट ही दिख रहा है। कोई बात नहीं, टारगेट तो ये देके ही जाएगा, 100% टारगेट देगा ही देगा, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत हाई होता है ये टूल के ऊपर। तो हम लोग वेट करते हैं फ्रेंड, देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है 3000, ये देखिए 4000 का हमारा प्रॉफिट कंटिन्यू हो चुका है। अभी आप देख सकते हो हमारा जो बैलेंस है, हमारा बैलेंस पहले 53 था, अभी 57 हो चुका है, 57 हो चुका है, मतलब 4000 का प्रॉफिट हमारा हो चुका है। तो इसी रिगार्डिंग अभी हम लोग समझेंगे क्या इस टूल में किस बेस के ऊपर, दोबारा हम लोग समझेंगे। ऑलरेडी मैं पहले एक बार डिस्कस किया हूँ और एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ किस बेस के ऊपर हम लोग ट्रेड लिया हूँ। हम लोग देखिए इस कंडीशन में, इस कैंडल पे हम लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब हमारा टारगेट एग्जीक्यूट हो चुका है, और हम लोग किस बेस के ऊपर ट्रेड लिया हूँ उसके बारे में भी हम लोग और एक बार डिस्कस कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा।
हर किसी को समझना चाहिए जो ये टूल के अंदर कैसे काम किया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये टूल आपको बहुत ही हेल्प करता है, बाई सिग्नल है हमारा, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, और आप देख सकते हो फिल्टर जो है, फिल्टर भी हमारा क्या है, प्राइस के डाउन साइड में है। फिल्टर का काम ही यही है जो आपको एक्यूरेट ट्रेड प्रोवाइड करना। ऐसा इंडिकेटर आप कोई पर भी ढूंढ लो, चाहे MT4 में ढूंढो चाहे ट्रेडिंग व्यू में ढूंढो, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ऐसा इंडिकेटर आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है जो इतना एक्यूरेट ट्रेड आपको प्रोवाइड करे। ओके, देखिए ये जो सेल सिग्नल है, ये सेल सिग्नल क्यों हमारा नहीं है काम का नहीं है, क्योंकि इस सेल सिग्नल में हम लोग क्यों नहीं काम कर सकता हूँ, क्योंकि डाउन साइड में फिल्टर है और सेल भी दे चुका है, तो फिल्टर डाउन साइड में है, उसको तो बाई सिग्नल देना चाहिए था, बाई सिग्नल में ट्रेड करेंगे, सेल सिग्नल में क्यों ट्रेड करेंगे, क्योंकि डाउन साइड में फिल्टर है, फिल्टर का तो ब्रेक ही नहीं कर पाया मार्केट, तो हम लोग ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट करेंगे सेल सिग्नल पे, ये जानना जरूरी है। तो इस कंडीशन में हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं, और ये सेल हमारे लिए फॉल्स सिग्नल है, ये फॉल्स सिग्नल को बहुत अच्छी तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। और बाई सिग्नल का आप देख सकते हो हमारा पूरे सेंटिमेंट पॉजिटिव है, बाई सिग्नल मिल चुका है, ग्रीन कलर का हमारा पूरे का पूरे इंडिकेटर दिख रहा है, हमारा जो फिल्टर है फिल्टर भी डाउन साइड है, और हमारा जो टारगेट रहता है ये 100% सक्सेसफुल तरीके से 100% सक्सेसफुल तरीके से अचीव करवाते हैं ये टूल। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है ये टू इंडिकेटर के लिए, ये टीपीएस बोरिंग इंडिकेटर के लिए। टीपीएस बोरिंग इंडिकेटर बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है, बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है। तो फ्रेंड मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, दोस्त लोगों के साथ ये इंडिकेटर का वीडियो भी, लाइव वीडियो भी शेयर कीजिए, क्योंकि उसको भी पता चले, बाहर से बहुत सारा मार्केट में आधा अधूरा इंडिकेटर खरीद लेते हैं, उसको उसके वजह से लॉस भी झेलना पड़ता है, तो उसको थोड़ा हेल्प हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।